नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं तीन स्टॉक्स के बारे में जिनमें बड़ी गिरावट आ रही है। सबसे पहले तो बाजार की बात करें तो डे लो पे ट्रेड कर रहा है और ये कोई गिरावट नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। कल शॉर्ट कवरिंग जो हुई थी 170 पॉइंट्स की एट द एंड, वो वापस से थोड़ा नीचे आ रहा है क्योंकि वो फ्रेश बाइंग नहीं थी, शॉर्ट कवरिंग थी। ये मैंने कल 3:30 बजे वाली वीडियो में ही बोला था और एडजस्ट हो रहा है अभी बाजार आपके लिए वापस से 70-80 पॉइंट। बट अभी की सिचुएशन ये है कि आपका बाजार हल्की वीकनेस दिखा रहा है क्योंकि मार्केट ब्रेथ में मिड कैप स्मॉल कैप तो अच्छा कर रहे हैं, बाकी नई सीरीज शुरू हुई है, एक्सपायरी का भी मतलब इस सीरीज का पहला ही दिन है और हम थोड़ा थोड़ा नीचे ही जा रहे हैं। दिन के दौरान डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं जबकि हमारे लिए सारे संकेत पॉजिटिव हैं, बट संकेतों को हम पूरी तरीके से अवॉइड भी कर रहे हैं। संकेत कल जब हम आज जब हम सुबह ओपन हो रहे थे तो सारे नेगेटिव भी थे लेकिन फिर भी हम हरे निशान में ओपन हुए, तो वो एक अलग मैटर हो रहा है इस समय। बाजार की बात करूं तो करंट सिचुएशन ये कह रही है कि कुछ भी ट्रेड बन नहीं रहा है क्योंकि नैसडेक इंडेक्स डाउ फ्यूचर्स देखोगे तो आपको लगेगा बड़ी तेजी आएगी आज, तो आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे और लॉन्ग करने की आई थिंक आपकी हिम्मत हो नहीं पा रही होगी क्योंकि मार्केट हर 10-15 मिनट में एक लो लगा रहा है। बाकी पोजिशनल बेसिस पे पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और अभी इंट्राडे या फिर एक ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे को लगता है थोड़ी डीप गिरावट हो सकती है 22,400-22,450 तक अगर बाजार आ जाता है, तो बस इससे ज्यादा मेरे को कुछ नेगेटिविटी दिख नहीं रही है फिलहाल। स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए भरपूर एक्शन है, तेजी में हुडको है, जेंसा टेक है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज है, टेक महिंद्रा है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है। वहीं मंदी की बात करें तो आज कुछ स्टॉक्स टूटे भी हैं। पहले मैं टेक महिंद्रा का बताना चाहूंगा, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं भाई कल आपने तो कहा था ये टूटेगा। मैंने पहली वीडियो में ही बोल दिया कि भाई मेरा एनालिसिस बिल्कुल गलत पड़ गया, उसके पीछे का रीजन सिर्फ यही दे सकता हूं मैं कि मैंने केवल नंबर डिस्कस करे, अगर नंबर बात करी जाए तो खराबी है, गाइडेंस और ब्रोकरेज हाउसेस का अपग्रेड इस स्टॉक को ऊपर लेके चला गया, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस, LTTS और एक तीसरा स्टॉक है स्पार्क यानी सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी। इसकी बात करी जाए तो ये हर दिन लोअर सर्किट लगा रहा है, यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। मैंने कल भी एक वीडियो में शॉर्टली कवर किया था ऐसे, जहां मैंने कहा था कि क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा, कोई खबर वगैरह तो दिख नहीं रही है। आज मैं इस स्टॉक के बारे में आपके साथ बोलूं तो फिर 5% का सर्किट है। कल एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर हुई थी, वो थे वॉल्यूम्स, केवल और केवल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए इसका सर्किट खुला था कल लोअर सर्किट और 1.5 करोड़ शेयर ट्रेड हो गए थे जिसमें से 66 लाख शेयर डिलीवर होते हुए दिखे। अगर मैं 30 दिन के एवरेज वॉल्यूम्स की भी बात करूं ना, वो 50 लाख शेयर्स का है और उसके सामने कल 67 लाख शेयर्स डिलीवर हुए हैं। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, पहला तो ये कि किसी व्यक्ति ने बड़ी बाइंग करी, डिलीवरी कर ली तो वो पॉजिटिविटी दिखाएगा, दूसरी ये हो सकती है कि उसने सर्किट खुलते ही दबा के खरीदा लेकिन फिर सर्किट लग गया तो वो बेच ही नहीं पाया तो इसलिए शायद डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। जब भी कंफ्यूजन होता है हम अवॉइड कर देते हैं स्टॉक को क्योंकि मार्केट में शेयर्स की कोई कमी नहीं है। तो स्पार्क की बात करी जाए, मतलब 470 रुपए से वन साइडेड टूटता ही जा रहा है, अभी 250 रुपए आगे खड़ा हो गया है, 257 रुपए। कब तक गिरेगा कब तक नहीं गिरेगा पता नहीं है, बट ऐसे केसेस में ज्यादातर मैं हमेशा कहता हूं अवॉइड करें सर्किट वाले क्योंकि ये बेच भी नहीं पाओगे आप इसे, और अगर चलना शुरू होगा तो फिर अपर सर्किट ही मारेगा, आप वहां पे खरीद नहीं पाओगे, तो जब कोई ट्रेड ही नहीं बन पाएगा तो फिर क्यों लेना है इसे, अवॉइड लिस्ट में रखें, वो बेटर ऑप्शन है। दूसरा स्टॉक है LTTS, 7.5-8% की गिरावट देखने को मिल रही है और सुबह से नीचे ही है। देखिए इस कंपनी के भी नंबर खराब ही थे और नीचे चला गया, हालांकि इसकी गाइडेंस में भी कुछ मजा नहीं आया मार्केट को जिसके वजह से शायद ये स्टॉक आपके लिए नीचे ही जा रहा है। और मिड कैप आईटी स्टॉक आपके लिए टूट ही रहे हैं ज्यादातर केसेस में, जिनके वैल्यूएशन 40-45-50 के पीई पे हैं वो टूट रहे हैं और जो 25-30-32 के पीई पे हैं वो फ्लैट होते हैं या फिर ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ वैल्यूएशन का खेल चल रहा है। LTTS की बात करूं तो स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा लगता है लेकिन अभी 42 के पीई पे है, 7-7.5% क्रैश हो गया है, टेक्निकल टर्म्स में भी थोड़ा सा वीक हो रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक, अगर थोड़ी बहुत गिरावट और आती है तो मेरे को लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पर्पस से अच्छा ही लगना चाहिए आपको, आप इन्वेस्टर हो तो कोई इशू नहीं है, बने रहिए, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस, इसको लेकर काफी कमेंट्स हैं क्योंकि स्टॉक 8% क्रैश हो गया है। देखिए इसके नंबर ठीक है, गाइडेंस खराब है, तो गाइडेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इस समय। मेटा के नंबर भी ठीक थे, गाइडेंस खराब थी, टेक महिंद्रा के नंबर खराब थे लेकिन गाइडेंस स्ट्रॉन्ग थी, तो गाइडेंस के चलते स्टॉक ऊपर या नीचे कर रहे हैं कि आगे क्या होगा उसके दम पर शेयर का प्राइस रिएक्ट कर रहा है। अभी यहाँ जो बजाज फाइनेंस है उनकी गाइडेंस में दिक्कत आई है, कंपनी ने क्या कहा है वो मैं एक बार बताना चाहूंगा। कंपनी सेज FY25 इज एक्सपेक्टेड टू बी ईयर ऑफ नॉर्मलाइजेशन टू प्री कोविड मैट्रिक्स, कोविड से पहले के जो आंकड़े हैं उसके सामने नॉर्मल ही रहेगा,
करंट फाइनेंशियल ईयर, ये कंपनी ने कहा है। प्लस कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ ओरिजिनेटिंग 12 टू 14 मिलियन कस्टमर इन FY25। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज कंपनी एस्टिमेट्स AUM ग्रोथ ऑफ 26-28% फॉर FY25। तो यही चीजें बाजार को आई थिंक पसंद नहीं आई है कि नॉर्मल बोल रहे हैं कि इस बार कुछ ज्यादा खास नहीं है, नॉर्मल दिख रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एवेल्यूएटेड ऑप्शन टू मीट मैंडेटरी लिस्टिंग कंडीशंस इंक्लूडिंग थ्रू IPO। तो इसको छोड़ते हैं। ओवरऑल बजाज फाइनेंस में क्या करें क्या ना करें, यही इस समय का सबसे बड़ा और सबका सवाल है। 6700 पे खड़ा है ये स्टॉक, ध्यान से सुनिएगा जो भी चीजें बोल रहा हूं मैं। इस समय 6700 पे खड़ा है। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे देखूं तो स्टॉक में कंटिन्यू आपके लिए गिरावट ही हो रही है, लोअर लो लग रहे हैं, बट बड़े बड़े लेवल पे लगते हैं। बड़ा फॉल आता है, रिबाउंड बड़ा आता है, फिर गिरता है, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता। अभी जो रिसेंटली गिरावट हुई थी वहां लो लगा था 6300 का और आज 6700 पे खड़ा है। वॉल्यूम्स बहुत हैवी ट्रेड हुए हैं आज। ये अब सुनिए क्या करना है, ये स्टॉक पहली बात तो यहां से तेज रिबाउंड भी मार सकता है, क्योंकि नंबर के वजह से नहीं, गाइडेंस की वजह से गिरा है, नंबर तो ठीक ही थे। दूसरी बात, अगर यहां से 300 रुपए और टूटता है 6300 रुपए तो वो बड़ा सपोर्ट लेवल है, और ऐड कीजिए। 300 रुपए लग बड़ा रहा है हमें सुनने में, लेकिन है केवल 5%, यानी कि 5% नीचे एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी बहुत अच्छे भाव पे हो जाएगी। तीसरी बड़ी बात, केवल 29 के पीई पे खड़ी है कंपनी, जो हर एक इलेक्ट्रिक शॉप पे खड़ी है आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे फाइनेंस करने के लिए। तो मेरे को लगता है स्टॉक खराब ही नहीं है, और इस भाव पे तो बिल्कुल खराब ही नहीं है। थोड़ी डिप और आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए 3 स्टॉक्स पे वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।